Yes. हम लोग एक स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट हैं जो कि पिछले लगभग दो से तीन सालों से स्टूडेंट्स को अब्रॉड भेजने का काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स स्पेशली मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो कि MBBS करना चाहते हैं, जो कि अपने करियर को एज एन MBBS ऑप्ट करना चाहते हैं 12th क्लास के बाद में, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके पास में, या क्या क्या करियर ऑप्शन हैं उनके पास में जो वो कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है वो जैसे नीट का फॉर्म आने वाला है, नीट के उसके एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 4000 सीट्स हैं ओनली गवर्नमेंट सीट, 4000 है, बाकी रेस्ट जो है 61000 सीट जो है प्राइवेट कॉलेजेस की हैं हमारे पास। तो क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बाकी का रेस्ट बचे हुए स्टूडेंट हैं, क्योंकि हर साल ये जो हम देख रहे हैं कि हर साल डे बाय डे ये कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। पिछले साल भी इतने स्टूडेंट्स थे, 6 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया, लेकिन 65000 स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। हाँ, जिनका हो गया वो तो ठीक है, जिन्होंने कर लिया, लेकिन कई बार हम देखते हैं, अभी मैं कोटा गया था पीछे कुछ टाइम पहले, तो मैंने वहाँ पर देखा कि अगर जो स्टूडेंट हैं जो कि डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके पास में क्या और ऑप्शंस हैं हमारे पास में। अच्छा, ये वो डेट्स हैं, टेंटेटिव डेट्स हैं जो कि लास्ट अभी, वैसे क्योंकि अभी ये जो इसकी वजह से जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं या NIUS के कैंडिडेट्स हैं उनकी वजह से कुछ केस चल रहा है, जिसकी वजह से ये डेट्स जो है डिले हो रही है MCA की तरफ से, लेकिन अदरवाइज अब तक में ये आ जाता, अभी तक आया नहीं है नीट का फॉर्म, उसी की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन अभी तब तक आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की डेट होती है वैसे, लेकिन अभी थोड़ा सा एक्सटेंड होगा आगे। एडमिट कार्ड बच्चे का रहता है 1st वीक में अप्रैल के, और एग्जाम डेट इसकी 6 मई की पहले पुरानी डेट्स के हिसाब से, लेकिन अब ये चेंज होगा थोड़ा बहुत जो है 1 वीक आगे पीछे होगा। और रिजल्ट अनाउंसमेंट इसका था 1st वीक, एग्जाम की वजह से भी थोड़ा सा डिले हो। देन इसके बाद में आते हैं, अप्रोक्सीमेट 12 लाख स्टूडेंट्स हैं जो कि नीट एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है ना, और स्टूडेंट्स मतलब 720 मार्क्स का एग्जाम, एटलीस्ट 50% स्कोर करना है, ज़्यादातर स्टूडेंट जो है उसको क्वालिफाई कर लेते हैं, बट क्वालिफाई करना ही बहुत ज़रूरी नहीं है, है ना, टॉप रैंक्स में आना भी जरूरी होता है स्टूडेंट के लिए, इसीलिए स्टूडेंट ड्रॉप करते हैं। इंडिया के अंदर में देखें, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल मेडिकल सीट 3500 सीट्स गवर्नमेंट हैं और 65500 सीट्स प्राइवेट सीट्स हैं, और कोर्स फीस अगर आप देखें तो 70 to 75 lakhs नॉर्मल कॉलेजेस में भी इतना फीस स्ट्रक्चर है, अप टू 1 करोड़ तक ये जाता है फीस स्ट्रक्चर प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, प्राइवेट कॉलेजेस गवर्नमेंट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट कॉलेजेस, वी जस्ट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट कॉलेज, 30-40 lakhs रुपीज है ना मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन में, या फिर BDS में, BIMS में, या BHMS में स्विच कर लें, और जिनकी डिमांड ज़्यादा मार्केट में भी है नहीं, ये अभी पता है। अच्छा, इसके बाद में क्या, ये एक बड़ा क्वेश्चन है हमारे लिए कि हम क्या कर सकते हैं इसके बाद। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि आज करें आगे तो हमारे पास भी क्या रास्ता है, या तो हम हाई स्कोर करें गवर्नमेंट सीट्स लें या प्राइवेट सीट्स लें अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो कहता है कि हम स्विच कर लें अपने ड्रीम को, ये 3 ऑप्शन हमारे पास में, या फिर एक चौथा ऑप्शन ये ऑप्ट कर सकते हैं कि हम सोच सकते हैं इसके बारे में कि हम इंडिया से बाहर जाकर के भी MBBS पढ़ सकते हैं। सो हमारे पास 10 कंट्रीज है, जैसे कि आप लोगों ने ब्रोशर में देखा कि मोर देन 10 कंट्रीज 50 यूनिवर्सिटीज हमारे पास में है, जिसके अंदर जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, पोलैंड, बांग्लादेश, नेपाल एंड चाइना, ये अलग अलग कंट्रीज हैं जहाँ पर भी आप जिस कंट्री को चूज करते हैं, अलग अलग कंट्रीज में ये 10 कंट्रीज के अंदर में यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब हमारे पास में अलग अलग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी हैं और प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं हमारे पास में, तो स्टूडेंट जिसमें भी चाहे वो उसमें एडमिशन ले सकता है।
जिसमें से हम अभी स्टूडेंट्स को ये ऑफर कर रहे हैं, अभी दो चीजें हैं, क्या है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अभी, कि अब तक तो ये था कि आपको नीट क्वालिफाई होना जरूरी है अगर आप इंडिया में एमबीबीएस करना चाहते हैं तो, और इंडिया से बाहर जाने के लिए आपको नीट क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। बट अभी रिसेंट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं एमबीबीएस करने के लिए तो आपको भी नीट क्वालिफिकेशन की जरूरत है या नीट एलिजिबल आपको होना जरूरी है। तो बट इसमें क्या है, कुछ चीजें हैं अभी, जैसे कि आप लोग मेरे ख्याल से 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट नीट क्वालिफाई नहीं है वो ये फरवरी लास्ट सेशन है, फरवरी के फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी इन इंग्लिश मीडियम। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, हम रशिया में जाएंगे या हम जॉर्जिया में जाएंगे, तो वहाँ का स्टडी पैटर्न क्या होगा, कैसे हम लोग एडजस्ट कर पाएंगे, वहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें। बट जो भी हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश मीडियम में वहाँ पर स्टडी होता है। हाँ, ये थोड़ा बहुत स्टूडेंट को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो आता है लैंग्वेज का, क्योंकि वहाँ पर लोकल एरियाज में अगर स्टूडेंट जाता है, लोकल एरियाज में जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इंडिया के अलग अलग कंट्रीज के अंदर और वेरी पीसफुल एनवायरनमेंट एज कम्पेयर टू हमारी कंट्री की इंडिया की, बिकॉज पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज यहाँ की, तो उसे कंपैरिजन में जो हम देखें जॉर्जिया में, यूक्रेन में, रशिया में पॉपुलेशन काफ़ी कम है। जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें भी स्टूडेंट का एडमिशन होगा। व्हाट एल्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं या होते हैं कल को एमबीबीएस अब्रॉड में जाने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए, तो वेबसाइट है हमारी flyformbbs.com, आप इस पर बाकी की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ब्रोशर में भी ये वेबसाइट अवेलेबल है, YouTube चैनल भी हमारा फ्लाई फॉर एमबीबीएस के नाम से, इस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसमें और भी वीडियोस हैं जो कि, बट हम अगर हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज का क्लासरूम साइज देखते हैं तो 15 टू 20 स्टूडेंट्स, तो क्योंकि पॉपुलेशन का डिफरेंस कि आपको वहां के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा अलग कंट्री के लिए, तो ये है।